प्यारी धन्यवाद जी हो ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल लाल पाड़ साड़ी पहन के रेडी हो गए हैं, क्योंकि आज हम लोग का चैनपुर पारिस में मना रहे हैं आदिवासी दिवस। तो मेरे साथ में है करिश्मा, हाय कर दो। तो करिश्मा तो हाँ, करिश्मा बोल रही है आप लोग कैसे हैं बताइएगा। हम लोग बिल्कुल ठीक है। करिश्मा भी रेडी हो गई है और इधर अनु भी रेडी हो गई है, भाभी भी रेडी हो गई है। भाभी तो बिल्कुल रेडी हो गई है एकदम। हेलो गाइस, भाभी बिल्कुल रेडी हो गई है, इधर अनु है। तो अब हम लोग निकलने ही वाले हैं, तो अभी हम लोग निकलेंगे सब लोग। तो मेरे साथ में है अनु और करिश्मा और है इधर हम लोग के साथ बने रहिएगा और हम एंड तक हम लोग आज डांस करने वाले हैं सारे। कोई अमित अमित खा रहा है चिकन, खाना चिकन और इसको नहीं ले जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा सैड है, बट तुम्हारे लिए बहुत सारा मिठाई ला देंगे, ठीक है, चॉकलेट ला देंगे। तो उसी से बड़ा आशीर्वाद भी मिल रहा है इसको। तो अमित को छोड़ करके जा रहे हैं। बाय अमित। बाय। अमित दौड़ा रहा है, इसको नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये है मेरी सिस्टर मेडलिन और ये बिल्कुल रेडी हो गई है नाचने के लिए। नहीं, साड़ी दूसरा पहनोगी ना? अच्छा, साड़ी दूसरा पहनेंगे, दूसरा तरीका से। लेकिन अभी ऐसे जा रहे हैं। कितना बजे शुरू है बताओ? 10 बजे, लेकिन 10 तो यही बज गया, 10 तो यही बज गया। बस हम लोग नाचने के लिए पहुंचेंगे, शायद प्रोग्राम शुरू हो गया। हम लोग का कितना नंबर में है? नंबर तो नहीं पता। लो, हम लोग भी तैयार होंगे, सब जन जाएंगे। कब जाएगी? अभी 10 तो शुरू खत्म शुरू हो गया। जय शु, जय शु। चलो अभी वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम लोग अभी तैयार होंगे। कुमकुम भी खरीदना था ना? कुमकुम तो यहाँ पे बिंदी लगा कर पकड़े हैं। कहाँ बिंदी पकड़ी है ना, तो उसको वो भी लगाना होगा। मेरा बुढ़िया वाला है, मेरे हमको दो बिंदी। हाँ लगा लो, बुढ़िया वाला ये वाला लगाएंगे नहीं, बड़ा मस्त आएगा। हाँ लो निकालो रे, चूड़ी तेरे पास फूट गया। तुमरा तो हो गया ना, मेरा तो नहीं, हम तो नहीं नाचेंगे। तो साड़ी साड़ी आने के लिए कितना बजे प्रोग्राम है थोड़ा बता दीजिए। 11 बज जाएगा। हाँ, और आधा लोग निकल चुके, आधा लोग चले गए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे पारिस, चैनपुर पारिस पहुंच के वहाँ पे क्या कुछ होता है और कैसे कुछ होता है, सारा कुछ दिखाएंगे। तो ये पारिस स्कूल है, संत अन्ना बालिका मध्य विद्यालय चैनपुर। इसी स्कूल में हम पढ़े हैं, केजी क्लास से लेकर के 6th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मिडिल स्कूल है, और पहले जब हम छोटे थे तो यहाँ पे एक चपाकल होता था, चपानल, और यहाँ से हम लोग खाना खा करके यहीं पे अपना प्लेट वगैरह धोने के लिए आते थे। अब यहाँ का चपाकल हट गया है, तो यहाँ पे सब तैयार हो रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे क्लास यहाँ पे कैसे है। तो ये क्लास 8 है, लेकिन ये पहले स्टाफ रूम होता था, अभी इसको क्लास बना दिया है। जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम में क्लास 6 तक ही था, तो 7th क्लास
और सिक्स, तो वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से केजी। तो कैसे लगा करिश्मा? अच्छा लग रहा है। पारिस स्कूल फर्स्ट बार चैनपुर आए हो? आए नहीं थे। ओ, तो करिश्मा पहली बार आई है यहाँ चैनपुर, तो उसको अच्छा लग रहा है। और चैनपुर ऐसा जगह है जिसको सबको ही अच्छा लगता है। करम नृत्य प्रतियोगिता में शामिल हमारे पल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित प्रदीप फादर पवन लकड़ा, कैथलिक सभा के अध्यक्ष श्री फिलमोन, महिला संघ के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यगण एवं युवा संघ के सभी सदस्यगण तथा सभी जनप्रतिनिधियों एवं चैनपुर पल्ली के सभी गांवों से आए सभी माता पिता एवं भाई बहनों का मैं आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में रॉबिन कुजूर मैं अपनी ओर से आप सबों का सही समय पर सहूलियत के साथ संपन्न हो सके। Thank you.
दो बार आ गया हमका है इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से आपका बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका दर्शन किया है हम दिल से का हाथ जोड़ करते हैं धन्यवाद जीवन नगर कुसुम टोली